नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। सेना में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन बढ़ता ही जा रहा है। गुरुवार को बिहार और उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में जमकर उत्पात मचाया गया और अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ लगातार विरोध जारी है। आपको बता दें कि भारतीय सेनाओं में 4 साल की अवधि के लिए युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च किए गए अग्निपथ योजना का देश में भारी विरोध हो रहा है। तेलंगाना में सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने ट्रेन में आग लगा दी। तो वहीं आज यूपी के बलिया रेलवे स्टेशन पर छात्रों ने तोड़फोड़। हालात काबू करने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। बिहार के बक्सर में छात्रों ने भारी हंगामा। दानापुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के एक डिब्बे में आग लगा दी। युवाओं के प्रदर्शन के चलते करीब 300 ट्रेनें प्रभावित हुई। युवाओं के प्रदर्शन के बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने युवाओं से अपील करते हुए कहा कि वह प्रदर्शनों में शामिल न हों। साथ ही युवा रेलवे की संपत्ति को नुकसान न पहुंचाएं। उनका कहना है कि रेलवे की संपत्ति देश की संपत्ति है। दरअसल केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ युवा देश के अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान बिहार में कई ट्रेनों को भी आग लगाई गई है। मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें। ये आपकी संपत्ति किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में, तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक बना साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम, ऐसा नहीं चाहिए हमें फौज किराए। स्कीम तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, बहुत अच्छा स्कीम है और मेरे ख्याल से इसमें सबके लिए फायदा है, लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो जो हमने रीच आउट किया है, हमने कम्युनिकेट किया है इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को ठीक से इसको मालूम नहीं पड़ा होगा, तो इसलिए डाउट होगा। लेकिन ये वायलेंस और प्रोटेस्ट वगैरह सही तरीका नहीं है, इनको ढंडे दिमाग से सोचना चाहिए और इस स्कीम की डिटेल्स वगैरह अगर उनको जानकारी होगा तो तब पता चलेगा। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जसवंत जैन, युवा बीजेपी प्रवक्ता मोनिता चौहान, युवा कांग्रेस प्रवक्ता कंचन यादव, जेएनयू छात्रा। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले जसवंत जी आपके पास आएंगे। जसवंत जी, ये युवा सड़कों पर निकला हुआ है। जसवंत जी, आवाज़ आ रही है आपको मेरी? चलिए मोनिता जी, ये युवा सड़कों पर निकला हुआ है और लगातार सरकार समझा रही है, लेकिन कोई समझने को तैयार नहीं है। आखिर क्यों ये बात समझ में नहीं आ रही है जो सरकार कह रही है?
केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ लगातार कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई केंद्र सरकार के मंत्रियों की अपील, लेकिन बावजूद इसके लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब ऐसे में डैमेज कंट्रोल कैसे हो, कैसे युवा समझें कि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा रहा है, और जिस तरह युवा आक्रोशित होकर लगातार सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहा है, कहीं ना कहीं यह भी गलत है। लेकिन हालात कैसे काबू में आए और कैसे युवा ये समझे जसवंत जी, आवाज आपको आ रही है मेरी? नहीं, मैं स्पीकर पे लगा, किस पे लगाना है, फोन में कनेक्ट करना है, स्काइप में करना है? चलिए ठीक है। मोनिता जी, ये युवा कैसे बस में आएगा? और लगातार ये धधकते रेल के डिब्बे, ये जाम सड़कें, और लगातार पुलिस के सामने खड़ा युवा कहीं ना कहीं अपने उन अधिकारों की मांग कर रहा है जिसमें वो 4 साल में रिटायर नहीं होना चाहता। और शायद इसी को लेकर अब जब सरकार ने अग्निवीर की भर्ती निकाली है तो कहीं ना कहीं युवा आक्रोशित है और वो इसे अपने हक में नहीं मान रहा है। और यही एक बात है कि अब युवा समझने को तैयार नहीं है और उसे लगता है कि कहीं ना कहीं उसके साथ अन्याय हो रहा है, और इसी के चलते भड़का हुआ युवा सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा रहा है, जो कि पूरी तरह गलत है। लेकिन सवाल ये कि ये कैसे शांत होगा मामला, कैसे सरकार इतने युवाओं को समझाने में कामयाब होगी? मेरा निवेदन है सभी से, रेलवे आपकी संपत्ति है, राष्ट्र की संपत्ति है, इसको किसी भी तरीके से कोई नुकसान ना हो, ये हम सब की जिम्मेदारी है। तो मेरा निवेदन है कि किसी भी तरह के वायलेंट प्रोटेस्ट न करें और रेलवे की संपत्ति को बिल्कुल भी नुकसान न करें, ये आपकी संपत्ति किराए पर नहीं रखी जा सकती। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि आप 17 साल में ट्रेनिंग के लिए जाइए और 21 साल में रिटायर होके आ जाइए, भूतपूर्व सैनिक बन जाइए 21 साल में? तो ये तो ठीक नहीं है। जिन्होंने देश के लिए बहुत ही उल्ट हालातों में काम करना होता है, जब हम अपने बच्चों के साथ सो रहे होते हैं एसी लगाकर, तब वो 50-55 डिग्री सेल्सियस जैसलमेर और गंगानगर के बॉर्डर पर हमारे सैनिक काम कर रहे होते हैं, देश के लिए हमारी रक्षा कर रहे होते हैं। जब हम हीटर लगाकर सोते हैं बच्चों के साथ, तो वो कारगिल की पहाड़ियों में -20 डिग्रीज में काम कर रहे होते हैं। क्या आप उनको किराए पे रखोगे कि आ जाओ जी 4 साल के बाद आपको भूतपूर्व सैनिक बना, साबका बना देंगे? ये नेता तो कभी रिटायर नहीं होते, सिर्फ जनता ही रिटायर होती है, और वो भी सैनिक। इसका विरोध करते हैं हम, ऐसा नहीं चाहिए हमें फौज किराए। स्कीम तो बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल है, बहुत अच्छा स्कीम है, और मेरे ख्याल से इसमें सबके लिए फ़ायदा है। लेकिन मेरे ख्याल से लोगों को इसका इसके बारे में ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं हुआ है या मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया। तो जो हमने रीच आउट किया है, हमने कम्युनिकेट किया है इसके बारे में, लेकिन कुछ लोगों को ठीक से इसको मालूम नहीं पड़ा होगा, तो इसलिए डाउट होगा। लेकिन ये वायलेंस और यू नो प्रोटेस्ट वगैरह सही तरीका नहीं है, इनको ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए। और इस स्कीम की डिटेल्स वगैरह अगर उनको जानकारी होगा तो तब पता चलेगा कि कितना। और लगातार
सरकारी संपत्तियों का नुकसान और आक्रोशित युवा सड़कों पर निकला हुआ कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। जसवंत जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? जसवंत जी, ये कैसे थमेगी, ये कैसे थमेगा ये जो आक्रोश है युवाओं का? जी, अभी आक्रोश थमाने के लिए तो सबका साथ देना पड़ेगा, सबको समझाना पड़ेगा कि भाई इसमें क्या फायदे हैं, नुकसान तो कुछ है ही नहीं जनरली। तो जो पार्टी जिसको इश्यू बना के इसको मुद्दा बना रहे और बीजेपी पार्टी के ऑपोजिट में काम करवा रही है जो स्टूडेंट्स वगैरह, तो वो सब रोकना होगा, पहले समझाना होगा। तो ऑपोजिट पार्टी के नेताओं को भी इतना आगे आना जरूरी होगा और इसके लाभ समझाने होंगे। ठीक है कंचन जी, जी कैसे ये आक्रोश थमेगा, क्योंकि युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है, पहले व्यापारियों को समझ में नहीं आया, फिर किसानों को नहीं समझ में आया और अब युवाओं को समझ में नहीं आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। और मैं जसवंत जी से पूछना चाहूंगी, इन्होंने अभी जस्ट एक स्टेटमेंट दिया कि इसका नुकसान कुछ नहीं है और ये कह रहे हैं कि जो अपोजिट पार्टियां हैं वो भी इसमें शामिल हो समझाने के लिए। जब लॉ सरकार बना रही है तो इसको अपोजिट जो पार्टियां हैं जो विपक्षी दल है वो फिर कैसे समझाए? और दूसरी बात, इसका नुकसान कैसे नहीं है? अगर 23 साल के बाद कोई युवा 4 साल की 3 साल 4 साल प्रैक्टिस करने के बाद वो 4 साल की नौकरी करके वो रिटायर हो जाता है और उसको मालूम है कि जो 4 साल बाद क्या होगा, कि जो 25% ठीक है जी जी, आवाज आ रही है आपकी मुझे? चलिए मोनिता जी, मोनिता जी, ये आक्रोश जो लगातार फैलता जा रहा है इसको कैसे शांत किया जाए? लगातार युवाओं का बढ़ता हुआ विरोध कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता का विषय, राजस्थान से लेकर लगातार पूरे देश में 11 से ज़्यादा राज्यों में अग्निपथ का विरोध और इस अग्निपथ को लेकर सरकार ने सारे फायदे गिनाए हैं, बावजूद इसके युवा ये समझने को तैयार नहीं है कि उनके फायदे की बात हो रही है और उम्र भी इसमें जो ऊपर की उम्र है उसे बढ़ा दिया गया है, लेकिन बावजूद इसके सबसे बड़ी बात कि टॉप 25 को ही स्थायी नियुक्ति मिलेगी। ऐसे में यंग जनरेशन जो है वो आर्मी ज्वाइन करने के लिए उत्सुक है, लेकिन क्या वाकई में अब इस बात से कि जो टॉप 25 हैं उनको स्थायी नौकरी मिलेगी लेकिन बाकी 75% का क्या होगा, इसी को लेकर और चार साल बाद आखिर क्या होगा, इन सब चीज़ों को लेकर लगातार युवा भड़का हुआ सरकार पर और सड़कों पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन करके अपनी बात को कहने के लिए विवश, लेकिन अब बीच का रास्ता आखिर कैसे निकलेगा, सवाल यही, क्योंकि लगातार देश में अनेकों राज्यों में जिसमें हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान, तमाम ऐसे राज्य जहां पर भर्ती को लेकर, बिहार झारखंड, जहां पर भर्ती को लेकर एक क्रेज जो रहता है। मोनिता जी, जो सरकार ने अग्निपथ योजना निकाली है इसका लगातार विरोध हो रहा है, कैसे देखते हैं कि युवा सड़कों पर निकला हुआ है, कैसे यह आक्रोश थमेगा? सर, तो मेरा मानना है इसमें जो सरकार की जो योजना है ये आज के युवाओं के साथ ये एक बद्दा मजाक है। जिस तरह से इन्होंने 17 से 21 साल तक जो सेना में भर्ती का एजेंडा इनका सामने आया है, पर इसमें हमारा युवा कहीं ना कहीं ठगा महसूस कर रहा है। जैसे कि अभी मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी 8 साल में
सरकार जो युवाओं को नौकरी नहीं दे पाई, और 8 साल बाद जो ये सैनिक भर्ती का जो ये अग्निवीर वाली ये स्कीम निकालते हैं, इसमें हमारे युवाओं के साथ जो मजाक किया जाता है, जो 17 से 21 साल की एज जो युवाओं की कुछ करने की होती है, इस साल में इन 4 सालों में ये हमारे युवाओं को सैनिक नहीं बल्कि एक लड़ाके बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो ये आप 25% रिटर्न की बात कर रहे हैं, इसमें 75% युवा कहाँ जाएगा? और इसमें आज का हर एक युवा इस पे सोचने में विवश हो चुका है, क्योंकि युवाओं के साथ जो ये बद्दा मजाक सरकार कर रही है, और इस मजाक को युवा कतई भी सहन नहीं करने वाला है। ठीक है कंचन जी, लेकिन ये आक्रोश थमेगा कैसे? देखिए, अभी आपने बोला कि बीच का रास्ता कुछ नहीं है, यहाँ पर सीधा रास्ता है और सीधा रास्ता है कि सरकार को युवाओं को रोजगार देना होगा। ये जो जुमला स्कीम मार्केट में अभी लॉन्च हुआ है, 4 साल का जुमला स्कीम या 10 लाख नौकरियां देंगे, ये जुमला स्कीम नहीं चलेगा। और ये सोचिए, सरकार की अगर हम बात करेंगे, नेगोशिएट करेंगे, जैसे साल भर कृषि कानून पे जैसे साल भर बात किया और फाइनली उसको बैकफुट पर आना पड़ा, उसको इस स्कीम को लेकर भी बैकफुट आना पड़ेगा। और आप सरकार के आंकड़े निकाल कर देख लीजिए कि जो 29 साल के जो 30 साल के युवा है, उसमें लगभग 1.2 करोड़ युवा जो है वो बेरोजगार है, और 1.2 करोड़ युवा लगभग वो रोजगार ढूंढते वो निराश हो गए हैं। तो जब ये 4 साल बाद रिटायर हो गए, ऑलरेडी हमारे पास इतने युवा जो है वो बेरोजगार बैठे हुए, तो आप कैसे उनको बेहतर अपॉर्चुनिटी उनसे प्रोवाइड करोगे? क्या पर बीच का रास्ता कोई नहीं है? साफ रास्ता है कि जो सरकार ने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था, जो सरकार ने 19 लाख रोजगार का बिहार में वादा किया था, जो सरकार 10 लाख का वादा फिर से कर रही है, ये जुमला वादा नहीं होना चाहिए। सरकार को फ्रंट पे आकर उनको रोजगार देना पड़ेगा, इस तरह की जुमलेबाजी नहीं चलेगी, अदरवाइज ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। वो चाहे आप रेलवे में आपने देखा, अब आप इसमें देख रहे हैं, आगे फिर से कोई ऐसा जुमला आएगा, प्रदर्शन होगा, तोड़फोड़ होगा, इसको नहीं रोका जा सकता बिना इसका जो है कि जो फाइनल है रोजगार बिना दिए हुए, इसको नहीं रोका जा सकता। जसवंत जी, सरकार उन जिम्मेदारियों से क्यों बचना चाहती है जो अब तक निभाई जाती रही थी, बदस्तूर जारी थी, उनमें बदलाव सरकार क्यों करना चाहती है? हेलो जसवंत जी। हाँ जी जी जी, अभी हमारे बहन जी कह रहे कि पहले बहन जी बोले लड़ाके बना रहे, तो लड़ाके नहीं बनेंगे वो, देश के सेवा के ये बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, देश के लिए सेवा करेंगे, और इनको हम पत्थर नहीं थमा रहे, जो दूसरी पार्टियां करती आई है, पत्थर थमाना और लाठी थमाना वो सब काम नहीं होगा। हमारे देश के युवा 17.5 साल की एज से लेके 21 साल में लगभग 23 साल तक यहाँ पर ट्रेनिंग 23 साल तक की लिमिट है, जो की 23 साल तक के बच्चे या युवा इसमें जुड़ सकते हैं और आगे देश के लिए सेवा में काम आ सकते हैं। और बता रहे कि 25% जो भी रिक्रूट हो जाएंगे उसके बाद 75% बचेंगे, वो क्या हो जाएंगे, वो रिटायर कैसे होंगे? अभी तो उनके काम करने की उम्र शुरू होगी, जब वो वहां से ट्रेन होके आएंगे तो वेल डिसिप्लिन होंगे, हर चीज की जानकारी हो जाएगी उन्हें, अपने देश के बारे में सेवा के प्रति वो पूरी तरह से जागरूक हो चुके होंगे, और आगे के लिए अगर देश सेवा में नहीं जुड़ पाए, समझो यहाँ पे अपने आर्मी में नहीं जुड़ पाए, तो उनके लिए बहुत सारे मौके होंगे, जगह जगह पे उनका जो रेस्पेक्ट, उनको जो रेस्पेक्ट मिलेगा शायद किसी को नहीं मिलता, रेस्पेक्ट उन्हें मिलेगा। और जो ये जो स्कीम लाई जा रही है गवर्नमेंट द्वारा, इसमें 100% युवा बहुत मोटिवेट होंगे और आगे जाके उनके लिए बहुत लाभकारी चीज होने वाली है स्कीम 100%। ये कोई जुमलेबाजी नहीं है, जुमलेबाजी जो पुरानी गवर्नमेंट थी वो करते आई थी और उन्होंने की है आज तक जुमलेबाजी, इसलिए हमारे देश का हाल आज से 8 साल पहले कैसा था और आज की पोजिशन में आप देखिए जो आज हमारे देश का हाल, देश में नहीं विदेशों में भी आप देखिए हमारे मोदी जी की जय जयकार होती है। हमारे ये जो हमारे जो पुराने नेता थे उनको तो ये भी नहीं पता था कि ये मतलब रिलेटेड टू आर्मी या सैनिक या एनसीसी के बारे में भी उनसे सवाल किया गया था कि एनसीसी बोले हमें तो ये इस टाइप के सब के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, वो हमारे देश की कमान को कैसे संभालेंगे? तो मेरे हिसाब से तो 100% सीएमआई का आंकड़ा आपको बता देता हूं कि 35 साल में 3% से ज्यादा बेरोजगारी दर नहीं गई थी, लेकिन मोदी सरकार में ये बेरोजगारी दर 7.5% के आसपास पहुँच गई है। बताइए ये आंकड़े झूठे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। जिस तरह से हमारी मोदी सरकार काम कर रही है, ये आंकड़ा झूठा है क्या?
झूठा आंकड़ा तो मैं उसे अभी अगर बराबर देखूं तो मैं पहले से तो नहीं झूठा सकता। अगर आप देख रहे तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता हूँ कि भाई 3% से आप 8% तक लेके गए बता रहे, लेकिन अभी रोजगार के अवसर बहुत है और बहुत काम कर रहे हैं और हमारा देश बहुत उन्नति की ओर है। नहीं तो रोजगार मिल नहीं रहा ना भाई, क्यों ये युवा सड़कों पे उतरे हुए हैं? क्यों किसी को शौक है कि कोई आत्मदाह कर ले, कोई आत्महत्या कर ले आक्रोशित होकर? क्यों किसी को शौक है कि जेल में बंद हो जाए, अपने करियर को तबाह कर दे युवावस्था में? किसी को शौक है क्या? अपोजिशन पार्टी द्वारा भड़काए हुए नेताओं के द्वारा ये कौन भड़का रहा है? कैसी बात आप कर रहे हैं जसवंत जी? कौन भड़का रहा है बताइए? जिन युवा को पता चला कि ये स्कीम 17.5 साल से लेके 21 साल या 23 साल तक के लोगों के लिए है या युवा के लिए, वो जो मेहनत करना चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटी को लाभ लेना चाहते हैं, वो तैयारी में जुट गए हैं। जो रोड पे जो आग जारी कर रहे हैं वो सब नेताओं द्वारा भड़काए हुए लोग हैं, न कि इस टाइप के लोग हैं कि ये कोई चाहते भी नहीं कि हम देश सेवा में आए। जिनको काम करना है वो सेवा में लग गए और वो अपनी तैयारी करने में जुट गए, ऐसा नहीं है। रोड पे तो कुछ ही लोग आए जो आज जारी कर रहे हैं, ये पूरे भड़काने के बाद ही आए हुए हैं, लेकिन जिनको पता है कि हमें इस अवसर का मौका नहीं चूकना है वो लोग तैयारी में जुट गए और तैयारी शुरू भी हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि भाई पूरा युवा रोड पे आ चुका, ऐसा नहीं है। कंचन जी आप देखिए जो देश की तस्वीर है वो इनको नहीं दिख रही है इस समय देश में क्या चल रहा है। कंचन यादव जी, जी कंचन जी देखिए जो तस्वीर इस समय की है देश की वो इनको नहीं दिख रही है। ये कह रहे हैं युवा सड़कों पे नहीं है, और क्या चाहते हैं बताइए? जी मैं इनसे जसवंत जी से पूछना चाहूंगी कि अगर 4 साल में देश का सेवा होता है तो देश के प्रधानमंत्री 4 साल में रिटायर क्यों नहीं हो जाते? क्यों वो दोबारा चुनाव लड़ते हैं? क्यों वो तिबारा चुनाव लड़ते हैं और आजीवन चुनाव लड़ते रहते हैं? इस देश के राजनेताओं को भी 4 साल में सेवा करके उनको भी कोई सूर्यवीर चंद्रवीर कुछ उनको टैग देकर रिटायर कर देना चाहिए, है ना? अगर 4 साल में देश की सेवा हो जाती है, और हमें लगता है कि इस देश का किसान, इस देश का जो सैनिक, इस देश का जो सेना जो होता है वो शायद अपने जान को जोखिम पे रखकर वो प्रधानमंत्री से भी ज्यादा सेवा करता होगा। उसका लेकिन ये 4 साल का उसको वो 4 साल के लिए अपनी जिंदगी को बॉर्डर पे लगाने क्यों जाएगा? तो 4 साल के लिए वो 0-50 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो लद्दाख में तो तनाव क्यों रहेगा? तो 4 साल के लिए उसके लिए जो बर्मा का जो बॉर्डर है वहाँ पर तैनात क्यों होगा? क्यों वो 21,000 के लिए? अगर 21,000 में देश की सेवा हो जाती है तो हमें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को भी 21,000 की सैलरी पर ठेके पर रख लेना चाहिए 4 साल के लिए, हो सके वो बेहतर देश की सेवा करे। ये जो अभी ये दे रहे हैं कि इनको पता नहीं कि क्या आंकड़े सीएमआई के, कितनी गरीबी पड़ी हुई है, कितनी भुखमरी पड़ी हुई है, क्यों ये जुमला 4 साल का दिया जा रहा है? अगर इनको नहीं पता है तो आई थिंक इनको पहले पता करना चाहिए, इनको पहले पता करना चाहिए कि ये भड़काऊ नहीं है। ये जो युवा रोड पर निकले हैं बिना किसी लीडर के निकले हुए हैं, ये किसी लीडर के भड़काने पर नहीं निकले हुए। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो इसकी भर्ती आई है उसकी वजह से, इसके पहले आप देखिए रेलवे में भर्ती पे धांधली हुआ उसका भी इनके पास गुस्सा है, उसके पहले एसआई जो यूपी जो एसएससी वाला एग्जाम होता है उसके भी धांधली हुआ। ये सब एक गुस्सा है क्योंकि इनको पता है कि आज अग्निवीर आया कल रेलवे भी लाया जाएगा, उसे भी 1-2 साल में रिटायर कर दिया जाएगा, उसके बाद हो सके डाकवीर भी लाया जाए और उसके बाद हो सके एसआईवीर भी लाया जाए। तो अगर आज ये स्टॉप नहीं करेंगे, आज ये प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं रोकेंगे तो ये पूरे देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, मजाक है ये टोटली। इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार को झुकना पड़ेगा। जैसे वो कृषि कानून बिल के जो है समय झुकी हो जाए, आज झुके या उसमें 10 साल ले लें, लेकिन सरकार को बैकफुट आना पड़ेगा। जी जसवंत जी देखिए वो कह रही है कंचन जी कि सूर्यवीर और चंद्रवीर भी ले आइए सत्ता के लिए। नहीं उनको इसके बारे में पूरी जानकारी शायद नहीं है। वो 4 साल में रिटायर होने के लिए बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको युवाओं को घर पे बैठने के लिए बोल रहे हैं, इनको नहीं पता है। एक्चुअली 4 साल तो हमें देश की सेवा करनी है और हमें अच्छी ट्रेनिंग लेना है, उसमें से 25% जो 25% रिक्रूटमेंट होगा तो 75% जो बचेंगे उनको घर पे नहीं बैठना है ना, उनका और उनको मौका मिलेगा ना। तो क्या मौका है बताया ना आपने, क्या मौका उनको मिलेगा? जी उनको मौका क्या मिलेगा? मैं पूछना चाहती हूँ, मैं यहाँ पीएचडी कर रही हूँ, मैं साइंस में कैंसर बायो पे मैं पीएचडी कर रही हूँ, और 4 साल बाद मुझे यहाँ से जब सबमिट करके पीएचडी जाऊंगी और मुझे कहा जाएगा कि बैंक पीओ में नौकरी कर लो, मुझे कहा जाएगा डिफरेंट फील्ड में नौकरी कर लो, तो मैं कैसे करूंगी? खुद जसवंत जी जो प्रवक्ता जो बने हैं उनको भी किसी अदर सर्विस में डाल दिया जाए तो ये कैसे अपने आप को उस फील्ड में लेकर जाएंगे? जब एक यूथ को जब उसका सबसे ज्यादा सीखने का
का उम्र होता है उसको सेना की ट्रेनिंग दी जाएगी और बाद में उसको कहा जाएगा कि तुम बैंक में जाकर काम करो, और जब ऑलरेडी खुद बेरोजगार बैठे हुए हैं देश में तो आप इनको कैसे वहां पर फिक्स करोगे जब ऑलरेडी बेरोजगारी इतना ज्यादा है। सवाल यहाँ पर यह है आपको कथित आप फायदे इसके गिनाइए कि कितने फायदे हैं, और ये भी थोड़ी आप आरक्षण की बात कर लीजिए, चार साल की नौकरी पे आप आरक्षण को कैसे लागू करोगे जो इक्वलिटी के लिए है, जो इक्विटी के लिए है, जो हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये सरासर ये फ्रॉड है, ये एक जुमला है, ये आने वाले इलेक्शन के लिए दिया हुआ एक जुमला है, इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते। अगर आप जस्टिफाई करना चाहते तो आप समझाइए, अगर हमें आप कन्विंस कर ले रहे हैं तो आप हमें समझाइए कि आपका ये स्कीम कितना जो है कि फायदेमंद है। ठीक है, मैं मोनिता जी आपके पास मोनिता जी के पास आऊंगा। मोनिता जी क्या लग रहा है कि ये जो आक्रोश है ये कैसे शांत होगा, क्योंकि युवा लगातार आक्रोशित हो रहा है एक लंबे इंतजार के बाद, जो उसके हाथ में आया है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। सर ये युवा तभी जाके आक्रोश इनका रुक सकता अगर सरकार यू टर्न लेती है। देखो जब एक युवा अपने पूरा नौकरी के पूरे पैरामीटर पूरे कर लेता है उसके बाद चार साल के बाद उसे रिटायर किया जाता है तो ऑटोमेटिक पास होगा, उसके बाद वो ना पढ़ने लायक रहेगा ना वो नौकरी के लायक रहेगा। और इस तरह से हमारे युवाओं को हो रहा है, ये युवा समझ चुके हैं। और इसी तरह से आप मैं हिमाचल की बात करूंगी, हिमाचल में युवाओं के साथ बद्दा मजाक, पहले जीएओ कई जो इन्होंने एग्जाम लीक करे उसमें इनके साथ मजाक हुआ, जेबीटी की जो भर्तियां वो पेंडिंग पड़ी है, पुलिस की भर्तियों में भी इन्होंने जो पेपर लीक किया था वो भी युवाओं के साथ मजाक किया है। और दूसरी बात ये है कि युवा जो अभी 8 साल में जो नौकरियां नहीं मिली थी, युवा जो हमारे युवा थे वो नौकरी के लिए खासकर जो ग्रामीण का युवा है वो फौज के लिए लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, वो 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा है और 8 साल बाद वो सोच रहा था कि सरकार कोई नई स्कीम लेके आएगा कि हमें हमारे युवाओं को आर्मी में जो या फौज में एक नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे और नौकरी मिल जाएगी। तो जो युवा अभी 25 साल का हो चुका है, जो पिछले 8 साल से जो लगातार प्रैक्टिस कर रहा है, परेशान है ना, वो नौकरी कर कोई और नौकरी के बारे में उसने सोचा नहीं, ना वो पढ़ाई के बारे में उसने इतना ज्यादा सोचा नहीं, वो लगातार फौज के लिए प्रैक्टिस कर रहा था, उनके लिए भी ये सारी चीजें एक मजाक हुआ है उन युवाओं के साथ। तो अगर युवाओं को इस मुद्दे जो आप तो बता रहे कि युवा जो इस कैसे आक्रोश थमेगा, ये तभी थमेगा अगर सरकार इस अपने डिसीजन को वापस लेती है, अदरवाइज युवा रुकने वाला नहीं। क्योंकि आज सड़क में जो भी युवा निकला है वो नॉन पॉलिटिकल युवा है, वो पढ़ने वाला बच्चा है, वो ग्रामीण का वो बच्चा है जो लगातार आर्मी के लिए प्रैक्टिस कर रहा था। तो मुझे लगता है अगर ये आक्रोश थमेगा तो ये तभी थमेगा अगर सरकार अपना डिसीजन वापस लेती है। जसवंत जी आपने तो देखा होगा कई बार सड़कों से निकले होंगे सुबह तो युवा दौड़ते रहते हैं, 4 बजे भोर में उठकर बिल्कुल तापमान गिरा हुआ रहता है, सर्दी हो या गर्मी हो या बरसात हो, क्यों दौड़ते हैं? सिर्फ इसी उम्मीद में कि एक दिन वो सेना में जाएंगे और कहीं ना कहीं एक जज्बा पूरी तरह से उनके भीतर ये रहता है देश सेवा का, लेकिन आपने उसको कहीं ना कहीं संविदा में बदल दिया है और इसी बात को लेकर युवा आक्रोशित है। और आप कह रहे हैं कि कहीं कुछ है नहीं, अगर कुछ है नहीं तो ये ट्रेनें क्यों जलाई जा रही हैं, क्यों ये सड़कें जाम हैं, क्यों ये युवा सड़कों पर निकला हुआ है, क्यों ये इतना आक्रोशित है, क्यों इन पर लाठीचार्ज करना पड़ रहा है? और आप ये कह रहे हैं कि राजनीतिक दल विपक्षी पार्टियां इनको भड़का रही हैं, इनके साथ कोई नेता नहीं है और ये भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं, ये तिरंगा लेके भी सड़कों पर निकले हुए हैं, तो इन पर कैसे बुलडोजर चलाएंगे, इनको कैसे देशद्रोही कहेंगे, बताइए। हम देशद्रोही तो नहीं कहते इनको, तिरंगा लेके चलने वालों में जरूरी नहीं है कि कोई नॉन पॉलिटिकल भी हो, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने तिरंगा लेके ही आगे यात्रा बढ़ाई थी और आज की ठीक है, मैं आपसे जवाब लूंगा लेकिन अभी लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। चलेंगे मेहमानों के पास। जसवंत जी
देखिए गोलमोल जवाब जो है ना, इन्हीं से कहीं ना कहीं मार्ग भटक रहा है युवा। ऐसा जवाब दीजिए जिससे युवाओं को लगे कि हाँ ये बात हमारे हक की हो रही है और ये बात हमारे समझ में आ रही है, वो कहने लगे कहीं ना कहीं। गोलमोल कुछ भी नहीं बताया जा रहा ना, जो चीजें जो स्कीम है जो भी ये योजना है वो 100% क्लियर है और एकदम आराम से समझ में आने वाली है, लेकिन इस योजना को कुछ लोग मतलब इसको भड़काने वाले लोग भी है जो कौन कौन लोग है बताइए ना, कौन लोग है ये, कौन लोग है ये, कहां से आए हैं बताइए। चाहते बीजेपी को अच्छा काम करने देना नहीं चाहते, जो देश का अच्छा काम जिनको तकलीफ होती है, जो लोगों के युवाओं के लिए जो अच्छा काम हो रहा है, जो अभी अच्छी स्कीमें लाई जा रही है वो उनको लगता है कि भाई ये आने से और उनका पॉलिटिकल डाउन हो जाएगा, तो उसके लिए उनको उन्होंने रोकना है। हर कृषि कानून की बात कर रहे हैं, कृषि कानून में क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ ना, जितने धरने करने से क्या हुआ। बता रहा हूँ भाई, यूपीए 2 में 7,60,000 नौकरियां सालाना दी जा रही थी और उसके बाद जब आपका कार्यकाल आया तो 3,54,000 नौकरियों के अवसर सालाना कम हुए। अब बताइए आप, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 35 साल में 3% दर थी बेरोजगारी की, वो बढ़ी नहीं, 3% से ऊपर नहीं हुई, लेकिन अब 7.83% है, जनवरी 22 का आंकड़ा है CMIE का। बताइए आप, मैं यही तो पूछ रहा हूँ, अगर इस बेरोजगारी दर को नियंत्रित करना है तो 40,000 नौकरियाँ प्रतिदिन चाहिए, पता है आपको ये बात, क्या गलत है बताइए। नौकरियां देने के लिए ही योजना लाई जा रही है ना, अगर इसमें अगर अच्छे से ट्रेन होंगे तो आपको और 10 जगह अपॉर्चुनिटी खुलेगी, जरूरी नहीं आप सैनिक सेवा में ही रहेंगे। अरे कहां मिलेगी अपॉर्चुनिटी भाई, ये मैं पूछ रहा हूं, आप समझ रहे हैं इस समय जो युवा सड़कों पर निकला हुआ है, अगर इसमें अग्निवीर होते तो क्या होता, समझ रहे हैं इस गंभीरता को, समाज का सैन्य करण आप कर रहे हैं, समझ रहे हैं इस गंभीरता को। नहीं नहीं आप अभी आप डिबेट जो कर रहे हैं, युवा को बिठा के कीजिए ना, युवा ही बैठाए हैं हमने, हमने नहीं बैठाए ना युवा, हमने युवा ही बैठाए हैं, हमने नहीं बैठाए नेता भाई, ये कंचन यादव युवा हैं, पढ़ रही हैं, मोनिता पढ़ रही हैं और प्रवक्ता है मोनिता चौहान, आप खुद युवा हैं जसवंत जी, आप नहीं है क्या युवा, कितनी उम्र है आपकी बताइए। तो आप उनका दर्द नहीं समझ रहे ना, जो निकला हुआ है, एक 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 लड़का पढ़ रहा है, दौड़ रहा है, अपने शरीर को कसरती बना रहा है, सुबह 4 बज के दौड़ रहा है सुबह, क्यों, क्योंकि उसको उम्मीद है सरकार भर्ती निकालेगी, लेकिन उसके हाथ क्या आता है, पता चलता है कि 4 साल में नौकरी खत्म हो जाएगी, आत्मदाह करने के लिए मजबूर हो जाता है, कोई अपने शरीर को यूं ही नष्ट कर देता है, कहीं ना कहीं उम्मीदें समाप्त होती हैं, कहीं ना कहीं उम्मीदों को धक्का लगा है, तब वो सड़कों पर निकला हुआ है, पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पता नहीं है उसको कल मेडिकल कल पुलिस वेरिफिकेशन कैसे होगा, पता नहीं है उसको, उसको सब पता है, लेकिन वो विवश है, वो परेशान है कि भाई सरकार से कोई सुलह का रास्ता निकलना चाहिए, लेकिन सुलह का रास्ता नहीं निकल रहा है। तो हम इसका भी समर्थन नहीं करते ना, हम इसका भी समर्थन नहीं करते कि वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन रास्ता तो निकालिए आप। नहीं तो रास्ता देखो, 21 साल की उम्र थी, आज 23 साल उसको डिक्लेयर किया गया है कि भाई 23 ईयर्स है एज, और उसमें कुछ सुधार होंगे तो जरूर किए जाएंगे, अगर किस लगा कि कुछ माइनस है, कुछ भी तकलीफ है, आप हालातों को देख, ये आप हालातों को देख के सुधार करते हैं ना, यही सबसे बड़ी कमी है, क्या आप हालात को बिगड़ते देख के सुधार करते हैं, आपने पहले नहीं, आपने बाद में सुधार किया कि 2 साल बढ़ा दी गई है, आप फिर बिगड़ते हुए हालात देखेंगे तो सुधार कर देंगे कि नहीं 4 साल से 6 साल कर दी गई है, ये नहीं होना चाहिए, सरकार की परिपक्वता उसकी योजनाओं से झलकनी चाहिए। बराबर है, पर जो योजना तैयार की गई है वो 100% परफेक्ट है, बहुत सोच समझ के। अरे नहीं लग रही ना परफेक्ट, अगर परफेक्ट होती तो इतना विरोध क्यों होता बताइए आप। नहीं विरोध हो रहा है आप बता रहे, कांग्रेस कांग्रेस तो ईडी की पेशी में उलझी पड़ी है, बताइए वो क्यों, वो अपना ही, वो अपना घर बचा ले उसके लिए वही बहुत बड़ी बात है, वो कहाँ आपका युवाओं का साथ देगी। कंचन जी, जी कोई रास्ता इन युवाओं को बताने वाला इस समय नहीं है और संकट मोचक की भूमिका में कोई नजर नहीं आ रहा है जो बीच का रास्ता एक निकाल के बताए कि नहीं ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा,
लगातार सरकार की तरफ से बयान आ रहे हैं, लेकिन बयान उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं या वो बयानों को नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, सरकार कैसे बयान देती है कि लोगों को समझ ही नहीं आता है। पहले तो वो CAL आई जो मुसलमानों को समझाते समझाते थक गई, नहीं समझ में आया। कृषि कानून लाई, किसानों को नहीं समझा पाई। उसके बाद उसने ये काला धन हटाने के लिए जो भी अपना नोटबंदी किया, वो भी किसी को समझ नहीं आया। उसके बाद अभी जो ये अग्निवीर आया है, जो आप देखेंगे हिंदी बेल्ट के सबसे ज्यादा लोग जो है उसमें जाते हैं, उनको भी नहीं समझ में आ रहा है। तो आखिर में यह सरकार समझाने की कैसे कोशिश कर रही है कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा, वो कैसी स्कीम बनाती है। दूसरा जो ये कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां भड़का रही हैं, विपक्षी पार्टियां भड़का नहीं रही हैं, वो अभी आप कह सकते हो एक तरह का ट्रेलर है। जिस तरह से बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है, हर दिन बढ़ते जा रही है, अभी आपने कहा कि 40,000 जो नौकरियां पर दिन देना तो भी ये बेरोजगारी दर घटने में बहुत वक्त लगेगा। तो इसको सरकार को समझना पड़ेगा। वो कोई भी बीच का रास्ता नहीं निकाल सकती सरकार। आपको बता दें कि यही सरकार सीना चौड़ा करके बोलती है कि हम 80 करोड़ लोगों को ये जो राशन बचता है ना, 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल देते हैं। क्यों देने की जरूरत पड़ रही है आपको 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल? आप इस देश की जो पॉपुलेशन है वो 130 से 135 करोड़ है, और 130 से 135 करोड़ में 80 करोड़ लोगों को सरकार को देना पड़ा है राशन, और वो किसानों के घर से आ रहा है राशन। जब 80 करोड़ लोगों को राशन सरकार दे रही है, मतलब 80 करोड़ लोग गरीब है, 80 करोड़ लोगों के पास नौकरी नहीं है, 80 करोड़ लोग बेरोजगार है। ये जब 80 करोड़ लोग बेरोजगार है तो उनको 4 साल के इस संविधान पे, इनको टेम्पररी पीरियड पे रखकर सरकार इसका संविधान कतई नहीं निकाल सकती। इससे सिर्फ आग भड़केगा, और ये जो आग अभी लगा हुआ है जगह जगह पर, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे हिमाचल प्रदेश हो, यूपी हो, बिहार हो, ये सिर्फ एक ट्रेलर है। अगर सरकार बैकफुट पर नहीं आई तो शायद उसको पूरा पिक्चर भी देखने को मिल सकता है। इसलिए जितने जल्दी हो सके सरकार को जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, लोगों के क्वालिफिकेशन के हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, लोगों का जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से सरकार को जॉब देनी पड़ेगी। अदरवाइज ये हिंसा रुकने वाली नहीं है। हम भी हिंसा के समर्थक नहीं है, लेकिन एक युवा जो अपनी पूरी जवानी वो बर्बाद कर देगी किसी इलाहाबाद के एक छोटे से रूम में बैठकर पढ़ते पढ़ते, उस युवा में आक्रोश आएगा। फिर वो नहीं देखेगा कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है कि सामने वाली प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। वो आग लगाएगा, वो जलाएगा, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टियों के भड़काओ भाषण की वजह से वो आग नहीं लगाते हैं। वो प्रत्येक है, वो नौकरी के लिए प्रत्येक है, इसलिए वो आग लगाते हैं। तो ये नहीं रुकने वाला है। सरकार को इसका फाइनल रास्ता निकालना पड़ेगा। बीच का रास्ते से काम नहीं चलेगा, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। जी जसवंत जी, देखिए, आप नौकरियों का वादा करके सरकार में आए थे, आपको क्या लगता है कि रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं? 100% हुए हैं और होते रहेंगे। ये सब एक्चुअली पहले की गवर्नमेंट के जो किए हुए जो कार्य थे उनको उनकी भरपाई अभी तक हो रही है, और आगे भी शायद और टाइम लगेगा उसको करने के लिए। आज कल मैंने ट्वीट देखा था मनीष तिवारी जी का, जो उन्होंने ट्वीट किया था, तो वो भी शायद कांग्रेस से ही बिलोंग करते हैं। उन्होंने क्या ट्वीट किया था आपको पता होगा, आपने देखा होगा कि वो खुद ही योजना का समर्थन कर रहे हैं कि ये योजना सही है। तो शायद उनसे विचार विमर्श करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि उन्होंने इसको सपोर्ट कैसे किया है। ठीक है, और आपको कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ी है, ये युवा कांग्रेस कार्यकर्ता थोड़ी है जो सड़कों पर निकले हुए हैं। अगर कांग्रेस का एक कोई पर्सन साथ दिया है तो आप जदयू को देखिए, जो जिनके साथ बिहार में बीजेपी सरकार बनाकर रखी है। जदयू के MLA जदयू के मंत्री विरोध कर रहे हैं इसका। आप कांग्रेस को मत जाइए, खुद बीजेपी जहाँ पर अपना सरकार बनाई है, बीजेपी सरकार के अंदर के लोग जो है विरोध कर रहे हैं इसका। आप ऐसे कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं इसका? किसी की कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं आप? जस्टिफाई की बात नहीं है, बहुत हर पार्टी में होता है ना, कांग्रेस के पास भी ऐसा कुछ हो सकता है। जरूरी नहीं है कि भाई बीजेपी कुछ स्कीम लाए और बीजेपी वाले नहीं कर रहे। जनरल मैं एक बात बोल रहा हूँ आपको, अगर ज्यादा समझना है स्कीम को परफेक्टली, उन्होंने मनीष तिवारी ने समझ लिया है तो शायद इसलिए उन्होंने सपोर्ट किया है। अब बिहार में जो बोल रहे हैं आप अपोजिशन, बिहार पार्टी के लोग ही, हमारे बीजेपी के सपोर्टर लोग ही जो ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, तो जरूर उनको कुछ डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा। उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि भाई नहीं। किसी नेता को कन्विंस करना, किसी नेता के ट्वीट पढ़ने से अच्छा है आप बेहतर ये देखो कि जिसके लिए वो रोजगार बनाया गया है वो कितना संतुष्ट है। आपको युवाओं से संतुष्टि देखनी पड़ेगी। ये समझिए, आपके आपको मनीष तिवारी के ट्वीट का सहारा लेना पड़ रहा है, आपकी अपनी उपलब्धियों के आंकड़े कम पड़ रहे हैं। ये आपको लगता नहीं है कि ये बात ठीक नहीं है?
नहीं, मैं इनको ये समझा रहा हूँ कि जब अपोजिशन पार्टी वाले ही या कोई, मैंने तो एक एक ट्वीट देखा है, बहुत सारे आए होंगे और अपोजिशन में भी लोग होंगे जो इसको सपोर्ट करते होंगे, खुल के सामने नहीं आ पा रहे होंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, 100% ये स्कीम बेनिफिट वाली ही है और इसका भविष्य में आऊंगा आपके पास। हमारे साथ कांग्रेस से डीके झा जुड़ चुके हैं। डीके झा जी, कैसे ये आक्रोश कैसे थमेगा, क्योंकि युवा पूरी तरह से कहीं ना कहीं अग्निपथ योजना से सहमत नहीं है और उसकी असहमति साफ नजर आ रही है इस समय पूरे देश में। जी, चंद्रशेखर जी, जी मैं आपको भी नमस्कार करता हूं और जो भी अन्य पार्टी के जो लोग हैं, मैं तो अभी जुड़ा हूं इसमें। जहां तक स्टूडेंट्स का सवाल है तो मैं पिछले 31 वर्ष से एक संस्था ही चलाता हूं इससे संबंधित, समझ गए, शिक्षा, हाँ, शिक्षा पर एक शोध संस्थान हम चलाते हैं और अभी भी सप्ताह में 3 दिन हम लगातार फुल टाइम इंटरव्यू में ही बैठते हैं, समझ गए। ये जितने भी बच्चे हैं, जहां भी जो विरोध कर रहे हैं या कुछ आत्मदाह हो सकता है कि आने वाले समय में आत्मदाह कर लेंगे, कल तो एक हरियाणा का न्यूज भी था कि एक बच्चे ने सुसाइड किया है, ये बच्चे किसी के भड़काने में नहीं आए हैं। मैं दिन भर स्टूडेंट्स का साइकोलॉजी ही स्टडी करता रहता हूँ एक काउंसलर होने के नाते। ये बच्चों में अपने आप देखिए, हमारे जो भी भाई लोग साथ में यहाँ पर इस विभाग में है, विलेज में है, उनको हम ये बात बता देते हैं कि ये किसी के भड़काने या इसका कोई नेतृत्व करता है ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे 5 से 10, रांची जैसे शहर में हम बैठते हैं, 5 से 10 हजार रुपए की नौकरी के लिए तड़प रहा है इस मार्केट में, समझ गए। 5-10 हजार रुपए 2002, 2004, 2006, 2008 के समय में भी हम लोग उससे ज्यादा सैलरी ऑफर करके अपने साथ लोगों को रखते थे। आज के समय में स्थिति ये हो गई है कि बच्चे कहते हैं कि हमको किसी तरह से 5 से 10 हजार की नौकरी लगवा दीजिए, एमबीए करने के बाद की ये स्थिति है। बेरोजगारी का आंकड़ा गवर्नमेंट का या आप लोग जहां से भी लेते हैं वो जितना भी हो, लेकिन अभी का जो ये मार्केट का सिचुएशन है, देखिए हमारे करीब करीब 6 आदमी दिन भर लगे रहते हैं वो जॉब सर्च करने में, कि छोटा बड़ा इंडस्ट्रीज हो तो, व्यवसायिक संस्थान हो तो, लोग इंसेंटिव पर कर देंगे, ऐसा ठीक है भेज दीजिए, इंसेंटिव कुछ दे देंगे, यदि वो अच्छा काम कर पाएगा तो इसे कुछ अर्न कर ले। लेकिन सही बात यह है कि अभी हमारे सर्वे के हिसाब से 84% जो एमएसएमई के अंदर में काम करने वाले इंडस्ट्री है वो बंद पड़े हुए हैं। यहाँ जो बोकारो स्टील प्लांट से हम जुड़े हुए रहे हैं, जो एक 40-30-40 के हिसाब से 5-4 साल पहले हम लोग लोहा खरीदते थे, आज 100 के पार हो चुका है। सीमेंट का दाम बढ़ गया है, हम आयात पर ज्यादा जोर दे रहे हैं कि हम दूसरे कंट्री से मंगा लेंगे। झारखंड जैसे जगह से हम बिलोंग करते हैं, झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में है। ठीक है, आप ये कह रहे हैं सब आप करते हैं, लेकिन ये कैसे ये युवा समझेगा कि ये जो सरकार कर रही है सही हो रहा है। देखिए ये चुकता है, ये हम जहाँ तक इसका भविष्य देख रहे हैं कि ये सरकार जैसे कृषि कानून वापस लिए हैं, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन में ये वापस लेंगे। नहीं तो छात्रों में ये है दमखम कि उसको सरकार बदलने में ज्यादा समय नहीं लगता है। और ये सब आदमी इस बात को नोट कर लें, ये किसी के भड़काने पर नहीं आए हैं। यदि इनका ये प्रोसेसन शुरू होगा तो इसमें धीरे धीरे लोग जुड़ते चले जाएंगे। हम लोग देखे हैं जब 7 अगस्त 1990 को आरक्षण का जो मामला उठा था, तो उस समय में बिहार में आपको ध्यान में होगा कि बहुत सारे बस इस तरह से जलाई गई थी, बच्चे आत्मदाह करने लगे थे कि जब हमें नौकरी ही नहीं मिलेगा, आरक्षण ऐसा हो जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेते हैं, दिल्ली में घटना हुई थी। इसलिए ये समय है कि यहाँ पर अपने आप को प्रतिष्ठा से नहीं जोड़ करके इसको अति शीघ्र वापस लेकर के, देखिए पुराना सिस्टम दिखा रहा है कि जो अप टू 2000 तक 80,000 हर एक साल बहाली हो रही थी, 2014 के बाद से इनकी संख्या 30 से 40 हजार के बीच में रह गई है। ये लोग जो है देखिए मैट्रिक करने के बाद ही चाहते हैं कि हम फोर्स में चले जाए, इंटर करने के बाद हम फोर्स में चले जाए। बहुत सारे गरीब परिवार हैं जो चाह करके जो अपने बच्चों को पूरा शिक्षा नहीं दे पाते हैं,
ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास। जसवंत जी आप सुन रहे हैं, देखिए स्थिति बहुत भयावह है प्राइवेट सेक्टर में भी। समाधान है मेरे मेरे समझिए सर, एक ही समाधान है कि इस चीज को जितना जल्दी हो, आज हो कल हो, वापस ले करके अभी तत्काल इसको रोका जाए। इससे किसी की कोई बदनामी नहीं, देश का ही सर्वे पड़ी है। ये आग लगा करके कि एक मिनट, इतना दिन से देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष से नहीं हो करके, मैं कॉमन पीपल शिक्षाविद होकर के, स्पेशलिस्ट होकर के सोचता हूँ। इतना दिन से देश में दूसरा लड़ाई चला रहे थे, हिंदू मुसलमान या इधर जितना भी चैनल है उसका तो काउंट कर लीजिएगा, तो खाली उसी तरह का डिबेट हो रहा था। चलिए वो डिबेट से जो भी मुक्ति लोग पाया, ये जो विवाद है ये किसी पार्टी विशेष का नहीं है, इसमें इनके इनके सपोर्टर ज्यादा लोग हैं। वो लोग उग्र हो जाएंगे तो ये सबके संस्थान पर इसका मेजर इफेक्ट पड़ने जा रहा है। ठीक है, एक सप्ताह से जवाब ले लेते हैं डीके झा जी, जवाब ले लेते हैं। जसवंत जी सुना आपने, जसवंत जी सुना आपने जी? नहीं, मैं यही कहना चाहता हूँ जनरल बीच में ये बात कहूंगा कि अगर बच्चा 17-17 साल या 18 साल के अगर ज्वाइन करता है और 4 साल की ट्रेनिंग है, जब वो 21 साल का या 22 साल का है, ट्रेनिंग करता हो जाएगा समझो, साल दो साल में लेट ज्वाइन करता है, कभी भी करता है, जब वो अगर फिट है, बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, तो उसको 100% 25% में उसको भर्ती मिल जाएगी। ठीक है, हेलो, हाँ आवाज आ रही है आपकी, आप बोलिए। हाँ, तो 25% उसमें रिक्रूटमेंट होगी, उसका हो जाएगा। नीचे बचे 75% जब वो रिटायर होंगे, आप बोलते 4 साल के बाद में उसके पास कुछ जॉब नहीं रहेगा, सीखने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो इतना अच्छा ट्रेन हो चुका होगा कि और उसके हाथ में कम से कम 11 लाख कुछ 11,72,000 रुपीज कुछ 4 साल की उनकी सैलरी उनके हाथ में आएगी और रिटायरमेंट पर 11,71,000 आते हैं। ठीक है, तो उस पैसे से जरूरी नहीं है कुछ बिजनेस भी कर पाएगा ना, कुछ ना कुछ तो काम कर लेगा, या फिर उनको एक जो प्रायोरिटी मिलेगी, जैसा कि बताया जा रहा है कि इसमें आप करने जॉब करने के बाद में गवर्नमेंट से इसमें अपना अग्निवीर बनने के बाद में आपको हर जगह पे प्रायोरिटी मिलेगी, तो उसके बाद में आपको अपॉर्चुनिटी मिलना ही है, नहीं मिलना बोल के आप पहले से हार जाएंगे, बोलेंगे हमें नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा तो कैसे होगा। आज हर 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 एजुकेशन फील्ड में यही है ना कंचन जी, वो कह रहे हैं पहले से ही हार जाएंगे तो कैसे मिलेगा रोजगार, और रोजगारी उन्हें ढूंढना है तो सरकार की क्या आवश्यकता है, पहले और बाद में ही ढूंढना है तो नहीं नहीं सर, मेहनत तो देखो, मेहनत तो बगैर मेहनत तो कुछ नहीं होगा, तो मेहनत के लिए मना कौन कर रहा है भाई, तो इतना आपको तैयार कर देंगे कि आप 100% आपको पहले अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। कंचन जी जी, कंचन जी देखिए वो कह रहे हैं जसवंत जी के सब कुछ अच्छा हो जाएगा, और ये युवा जो है वो समझ नहीं पा रहे हैं। पहली बार जो बार बार वो 100% कह रहे हैं, वो उनको ध्यान देना चाहिए कि कुछ भी 100% नहीं होता है। कोई भी बहुत अच्छी स्कीम बनेगी, बहुत अच्छी स्कीम बनेगी तो भी उसमें कुछ ना कुछ खामियां होती है, तो 100% तो होता नहीं है। और दूसरी बार जो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ युवा कर लेगा, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जाम्पल दिया, आप प्रवक्ता बन के यहाँ बैठे हैं, आपका अपने जॉब जो है जस्ट बदल दिया जाए, तो आप वहाँ पर सुटेबल होंगे या नहीं होंगे, आपकी ट्रेनिंग अलग है और आप अलग फील्ड में जाने की बात कर रहे हैं, तो अगर ये अगर युवा को मालूम है 4 साल बाद उसकी जिंदगी जो है फिर से भटकने वाली है, तो वो 4 साल के लिए जॉब टेम्परेरी पीरियड पे क्यों लेगा? सबसे बड़ा ये सवाल है कि 4 साल के लिए टेम्परेरी पीरियड पर अपना जान जोखिम पर क्यों डालेगा? तो पढ़ाई के अपनी उम्र में जब वो मास्टर्स कर रहा होगा, जब वो ग्रेजुएशन कर रहा होगा, वो छोड़कर वो जो जॉब करेगा 4 साल के लिए, उसके बाद फिर आकर वो पढ़ाई करेगा और जॉब करेगा। ये तो सब ऐसे ऐसे गली घर एक रास्ता सीधा है, और एक ऐसे है कि आप गली में घूम घूम कर पहुंच रहे हो, तो गली में घूम घूम कर युवा क्यों चुनेगा? वो सीधा रास्ता है, उस सीधे रास्ते को तोड़ मोड़ के गली क्यों बनाया जा रहा है? सबसे जो बड़ा सवाल है ये सवाल है, और आप 100% सर मत कहिए। कोई भी स्कीम और गरीबी हटाओ का स्कीम बना लोगे उसमें भी खामियां तो कुछ निकलेंगी, और ये तो गरीबी गांधी परिवार ने क्या किया वो छोड़िए, और गांधी परिवार ने जो किया बीजेपी उसी को आकर बेच रही है, इसको सरकार कैसे गए? आप तो कहते हैं
नाव में घूम सकते हो, जहाज में घूम सकते हो, है ना। प्रधानमंत्री जी का जहाज कितने का, 85,000 करोड़ का है। पूंजीपति कितने पैसे लेकर देश पढ़कर भाग गए, उसके लिए पैसा है। पर खुद जो अडानी है, अडानी अंबानी को 50 साल के लिए लोन दिया जा सकता है, 50 साल के लिए कोई कंपनी जो सरकारी व्यवस्था उनको दी जा सकती है, लेकिन नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए। अपने दोस्तों को आप 50 साल के लिए लीज पर दोगे, 50 साल के लिए करोगे, लेकिन आप कांग्रेस को छोड़िए। आप कांग्रेस की बेल बनाई थी, बीजेपी पर स्टैंड भी कर पा रही है सर, कांग्रेस की बेल बनाई है, तो आप ये कतई मत कहिए, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा लगाई थी, तो गरीबी हटाई थी सर, अभी बोला कि 3% अभी आपने स्टेटमेंट दिया कि 80,000 लोगों को राशन बांटना पड़ा, वो 80,000 लोग आए कहाँ से? 80,000 लोग जिलों पॉलिटी लाइन है, उनको देने की आज देने की जरूरत पड़ रही है, क्यों पड़ रही है? पूरा पैसा खा गए, आज ईडी के चक्कर काट रहे हैं, क्यों चक्कर काट रहे ईडी के? ईडी के पैसे खा गए, इधर से 80,000 लोग आए क्योंकि, लेकिन लेकिन जसवंत जी उसका खामियाजा ये युवा नौजवान क्यों भुगत रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, जसवंत जी क्यों ये युवा परेशान है जी? कंचन जी, कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता या सरकार ये समझाने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है कि ये जो भर्ती है युवाओं के हित में है, और या जो भर्ती का पैटर्न है वो कहीं ना कहीं युवाओं को पसंद नहीं आ रहा है या उनके हित में उन्हें नहीं लग रहा है, और इसी का असर आप आज हिंदुस्तान भर में देख रहे हैं। हिंदी भाषी राज्यों में जोरदार प्रदर्शन सरकार के खिलाफ हो रहा है। जसवंत जी, चंद्रशेखर जी, जी डीके झा जी, हाँ। अब इसका समाधान क्या हो सकता है? हम बता रहे हैं, देखिए एक चीज आपको बताते हैं कि ये जो मोदी जी का जो फर्स्ट टाइम जो सरकार आया है, तो ये हम सब आदमी जानते हैं कि उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे युवा आबादी को, समझ गए? 2012 के बाद 2014 तक मनमोहन सिंह के सरकार में रोजगार की कमी हुई है, ये हम लोग भी मानते हैं। रिसेशन का एक दौर आया था, समझ गए? उसके बाद में लोगों का रोजगार घटा, और जब बेरोजगार ने ये जाना कि 2 करोड़ के लगभग 1 करोड़ जो बच्चे हैं वो हर एक साल मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, तो लोगों ने देखा कि यही 2 करोड़ रोजगार ये सरकार हमें दे देगी तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। इसलिए युवा वर्ग का रुझान जो है ये बीजेपी कांग्रेस के तरफ बहुत तेजी से बढ़ा। 2019 में इन्होंने पुलवामा का सहारा ले लिया, फर्स्ट टाइम वोटर कह करके, लोगों को एक मन में था कि अभी भी रहता है कि सेना के प्रति एक सेना एक शौर्य है, ये मान करके चलिए सेना सिर्फ एक नौकरी ही नहीं है, नौकरी के लिए इनके बहुत सारे डिपार्टमेंट है, सब जानता है कि गवर्नमेंट सेक्टर की क्या स्थिति है, क्या हालात है, या पब्लिक सेक्टर यूनिट की क्या हालात है, जहां ये ऑलरेडी लाखों नौकरी से छूट चुका है, लाखों लोगों की नौकरी जा चुकी है, बैंकर्स की नौकरी जा चुकी है, समझ गए? हर एक क्षेत्र में तो नौकरी में कमी ही आई, तो इसलिए अब इस चीज को भड़काने का काम नहीं करें। ये देखिए कभी कभी देश में ये पॉलिटिकल साइंस कहता है कि आपात नीति भी करनी पड़ती है, ठीक है, और ये डीके झा जी, समय समाप्त हो रहा है। जसवंत जी, कहीं ना कहीं ये समझना होगा कंचन यादव जी कि युवा कैसे समझे आपकी बात को, इसके लिए सरकार को पूरी तरह से अब स्थिति को नियंत्रित करना होगा, क्योंकि हालात हैं वो बहुत ज़्यादा बदतर हैं। आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। कहीं ना कहीं सरकार ये समझा नहीं पा रही है कि आखिर कैसे जो ये अग्निपथ धधक रहा है, ये अग्निपथ पर अग्निवीर आगे बढ़े, देश की रक्षा करें, लेकिन नौजवानों को ये बात समझ में नहीं आ रही है, और सरकार इसे कैसे समझाएगी ये भी अभी कहीं नजर नहीं आ रहा है। बहरहाल देश विदेश की ताजातरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए AIN न्यूज़।